वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, इट्स अ ब्यूटीफुल डे, वी आर स्टिल हियर इन स्कर्दू और अभी हम यहाँ से निकलेंगे दियोसाई के लिए। इस ट्रिप का जो प्लान था हमारा, जो इस ट्रिप का टॉपिक था वो यही था कि क्रॉसिंग दियोसाई, एंड यस इट विल बी अ टफ राइड। जैसा कहा गया, मुझे टीम ने कहा कि थोड़ी सी डेंजरस राइड है क्योंकि पानी वगैरह होगा रोड पे और स्लिपरी होगी, तो इस वजह से थोड़ा सा रिस्क होगा क्रैश का। लेकिन क्रैश तो होती रहती है जब आप एडवेंचर बाइक चला रहे हो, तो ये चीज तो मैं आदी हो गया, मुझसे तो सिर्फ एक बार ही क्रैश हुई है फिलहाल। आज ये जैकेट फिर हम नहीं पहन सकते, आज फिर मैं हुडी पहनूंगा, थोड़ा सा रिस्क लूंगा। इस जैकेट के अंदर पूरा किट लगा हुआ है सेफ्टी किट, अगर मैं गिर जाऊंगा तो शायद कुछ स्क्रेचेस वगैरह नहीं आएंगे। लेकिन ये बहुत ही मट्टी से पूरी भर चुकी है यार, इवन मेरी पैंट भी वही है जो मट्टी से भरी हुई थी, उसको मैंने सुबह दीवार पे मारा जोर जोर से और फिलहाल ये पहनने के काबिल हो गई है। बाहर निकलने से पहले एक लास्ट वाला चेक बनता है क्योंकि अभी तक मैं लकी हूँ कि मैंने कोई भी चीज किसी भी होटल में नहीं भूली है। ऑलमोस्ट हम 4 होटल तो चेंज कर चुके हैं। तो हमने रख दिया, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जब मैं किसी भी राइड से पहले यूज करता हूँ, दैट्स माय फेवरेट सनस्क्रीन, व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस इफ यू आर राइडिंग इवन हियर इन नॉर्दर्न एरिया, सन इज अगेंस्ट यू, तो मेरे बाल, आई थिंक आई शुड स्टार्ट यूजिंग जेल। आज होटल के हर तरफ जीप्स ही जीप्स दिखाई दे रही है, आई थिंक काफी ज्यादा टूरिस्ट वगैरह आ गए हैं लोग और सब जीपों में ही आते हैं यहाँ पे इन एरियाज में। हियर गॉट अ BMW GS, सो गाइस दिस इज द ड्रीम, दिस इज व्हाट आई वांट टू राइड हियर इन पाकिस्तान, इट्स अ BMW GS 1200 व्हिच इज रियली अमेजिंग बाइक, इट्स 1200 cc। और यहाँ पे हमारी सारी बाइक्स वगैरह रेडी हो चुकी है, सब बाइकर्स रेडी है। How are you feeling, bro? It's Dyosai. Too excited. Almost done, man. बहुत मजा आ रहा है अभी तक तो, बहुत मजा है। ऑफरोडिंग भी की है Dyosai में, मेरे ख्वाब था कि मैं कभी Dyosai जाऊं। Dyosai सब आई थिंक पहली बार ही जा रहे हैं, मैं खुद मैं तो स्कर्दू में भी पहली बार आया हूं, इवन आई एम एक्सप्लोरिंग नॉर्थ फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फाइनली फ्यूल तो हो गया रिफिल और बस अभी टैंकी फुल है बॉस, ये दियोसाई तक तो पहुंचेगी इंशाल्लाह। इट्स 18 लीटर टैंक। ये जो है ये है सिटी, द मेन सिटी ऑफ स्कर्दू, और स्कर्दू के गलियों से आपको पहुंचता है हमारा सलाम। इट्स 9 o'clock इन द मॉर्निंग, इफ यू वांट टू कम टू स्कर्दू देन यू कैन कम बाय एयर। स्कर्दू में एक एयरपोर्ट है, छोटा एयरपोर्ट है, और आप बाय एयर आ सकते हो, दैट्स द बेस्ट वे टू बी इन स्कर्दू। So guys, on the way to Dyosai, we just stopped here and this is Sadpara Lake. पहले ये एक लेक था सतपारा लेक, लेकिन अभी यहाँ पे डैम बना दिया गया है और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है इस पूरे एरिया के लिए। This place is amazing and it looks beautiful. तो भैया आते हुए रास्ता तो पूरा ऑफ रोड है तकरीबन, और Dyosai नेशनल पार्क की एंट्री भी अभी हम खड़े, और यहाँ पे एंट्री के लिए फॉरनर्स $8, पाकिस्तानी नेशनल ₹100, गिलगित बल्तिस्तान रेजिडेंट्स ओनली ₹40, सो वी हैव टू पे ₹100 बिकॉज वी आर पाकिस्तानी नेशनल। Dyosai नेशनल पार्क अगर आपने विजिट करना है तो आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, हाई और लो ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, एंड इफ यू आर नॉट रीजनेबली फिट, बेस्ट रेस्ट फॉर अ नाइट इन Dyosai। वेदर इन Dyosai कैन बी अनप्रिडिक्टेबल एंड कोल्ड। This road is not for cars. You can come here on 4-wheel, but don't bring your car. If you will bring your car will not be a car anymore. तो भैया Dyosai के बर्फीले पहाड़ों में हमारी एंट्री हो चुकी है, और यार यहाँ पे बाइक चलाना is a tough job और a big challenge it is. There is no doubt. हर जगह पे पत्थर हैं, और अभी भी मैं खड़ा होकर बाइक चला रहा हूँ। अगर मैं बैठूंगा तो इस बाइक की सस्पेंशन इतनी खास है नहीं, तो फिर मेरी लग जानी है what? Entering Dyosai National Park Skardu. यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जहाँ से आप कॉफी भी पी सकते हैं, और अभी से यहाँ पे ये छोटे छोटे फूल उगना शुरू हो गए हैं, और विद इन 15 to 20 days यहाँ पे पूरा ये फूलों से भरा होगा यार। तो बेस्ट टाइम टू कम हेयर इज जुलाई, नॉट जून, क्योंकि जून में अभी बर्फ अभी पिघल रही है, बर्फ अभी पूरी तरह नहीं पिघली है, कुछ पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ है। आई एम फीलिंग डैम कोल्ड, हुडी वाज अ गुड ऑप्शन बाय द वे। यहाँ तक राइड करना थोड़ा सा मुश्किल था यार, इतनी टफ रोड थी, रास्ते में पानी था, कीचड़ था, तो इस वजह से स्लिपरी बहुत ज्यादा था यार, कभी खड़ा होना पड़ता था, कभी बैठना पड़ता था, लेकिन फिर भी दिस बाइक इज नॉट बैड। सो एवरीवन इज बिजी विद ट्री, लेकिन हम पेप्सी से करेंगे गुजारा यार, क्योंकि ठंडी जगह पे आके ठंडी ठंडी पेप्सी पीने में जो मजा ना वो किसी और चीज में नहीं है। और ये अभी फ्रिज से तो नहीं निकली, यहाँ पे फ्रिज तो है ही नहीं, लेकिन ये इसी तरह बाहर पड़ी हुई थी, और अभी फिलहाल ये फ्रिज से ज्यादा ठंडी लग रही है जितनी ये फ्रिज में ठंडी होती है। ओ माय गॉड, ये बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में, जब भी कोई डब्बा वगैरह खोलो या बोतल खोलो वो पहले से इतनी ज्यादा हिली होती है। ये आप इस वक्त कितनी हाइट पे हैं यहाँ, अगर आप चिप्स वगैरह लेके आए शापर फट जाते हैं खुद बहुत।
पे थोड़ा सा टफ सीन शुरू होने वाला है क्योंकि सारा कीचड़ है और कीचड़ के अंदर से हमने जाना है। अगर मेरे पाँव नीचे लगे तो मेरे जूते भी गए, मेरी पैंट भी गई। लो भाई, इससे अच्छा वो रहा है। तो भैया देख लो पाँव की हालत, एक बाइक फंस चुकी है और इसी बाइक की वजह से मैं भी पीछे रह गया हूँ। हमें इसके अंदर से आना नहीं चाहिए था, हमें बाहर से आना चाहिए था यार। इतने जंप जिंदगी में कभी नहीं खाए थे जितने आज खा लिए हमने। ओ शिट मैन, एक साइड से मैं डाउन हो गया, ये फंस गया। ओ माय गॉड, वन मोर इज डाउन। अब मैं खुद ना हो जाऊं डाउन। आर यू ओके? यहां से जंप हुआ ये और सीधा यहां पे डाउन। बट आवर शूज एंड आवर जीन्स, हम तो आहिस्ता आहिस्ता आ गए और हमारी बाइक भी यहाँ पे पहुंच आई है विदाउट फॉल। लेकिन अब इनका क्या होगा क्योंकि यहाँ पे बॉस बहुत ज्यादा डीप है, ये एरिया मुश्किल। किधर जा रहा है भाई? आ जा आ जा आ जा। वेल डन ब्रो, वेल डन, यू डिड इट। अब इस बंदे का है, देखते हैं कि ये कर पाता है या नहीं। डू इट ब्रो, डू इट। ओ ही इज गॉन, ही इज स्टक। थर्ड टाइम उसने बंद कर दिया बाइक। लेट्स फाइंड आउट क्या होता है, क्या होगा तेरा कालिया। कीप लेफ्ट, क्या ये मेक इट कर पाता है या नहीं, वी कैन फाइंड आउट राइट नाउ। ओ माय गॉड, डाउन, इट्स डाउन गाइस। So guys, now here is a suspension bridge और यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि आगे जाऊँ यार, अगर यहाँ से नीचे गिरोगे तो ये दरिया है और पानी काफी स्पीड में है, साफ सुथरा पानी है लेकिन स्पीड में है बॉस, और यहाँ से अगर गिरोगे तो फिर सर जी कुछ बचने का चांस है? सर बच तो जाओगे लेकिन वहाँ से जाके पकड़े जाओगे। इतना मुश्किल नहीं था इस पे चढ़ना यार, लेकिन थोड़ा सा रिस्की था। वैसे सस्पेंशन ब्रिज जो होता है उसमें यूं भी वायर्स होती हैं तो वो थोड़ा इजी होता है चढ़ना, लेकिन इसमें सिर्फ स्ट्रेट वायर्स हैं और मैं एंड तक भी जा सकता था लेकिन एंड पे जाने का फायदा नहीं था। दरमियान से आगे फिर जाना इजी था बट बीच में जाके ऐसे लगता है जैसे पुल यूं हिल रहा है। चक्कर आए थे एक बार यार। और अभी हम जिस जगह पे इसको बड़ा पानी कहा जाता है, आई डोंट नो इसको बड़ा पानी क्यों कहा जाता है लेकिन इसको बड़ा पानी ही कहा जाता है। अगर आपके शूज की हालत ये हो जाती है, आपकी पैंट की हालत ये हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर आपको ये वाला व्यू मिलता है तो ये चीज हजार बार कबूल है बॉस। ये जो व्यू है ये कैमरे में सही दिखाई नहीं दे रहा लेकिन यार देयर इज नो प्लेस लाइक दिस इन दिस वर्ल्ड, इट्स ओनली इन पाकिस्तान एंड दिस इज आवर पाकिस्तान। इस बंदे ने कोई जर्सी भी नहीं पहनी, पता नहीं कैसे सरवाइव कर रहे हैं। बर्फबारी शुरू हो चुकी है बस। स्नोफॉल, यस। हेलो जी, इट्स 8 o'clock इन द इवनिंग। क्या मुश्किल से हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। अभी यहाँ पे हमें गेस्ट हाउस मिला है, पहले से हमारी बुकिंग हुई थी यहाँ पे। आज से पहले मैंने बारिश का तूफान देखा था, सैंड स्टॉर्म भी देखा था लेकिन आज पहली बार मैंने स्नो स्टॉर्म देखा है यार, और वो भी जब मैं एक बाइक के ऊपर था। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि बस मेरे हाथ काम करना छोड़ चुके। कुछ जगहों पे ऐसा स्टेज आ गया था कि मैं बस बाइक छोड़ के गिरने को तैयार था यार। आई हैव मेड मिस्टेक्स, वाटरप्रूफ शूज नहीं लेके आया मैं, वाटरप्रूफ पैंट्स भी नहीं लेके आया और आज मैंने हुडी भी पहन ली। दैट वाज अ बिग मिस्टेक, पूरा मैं वेट हो गया था यार, मेरी पैंट भी, हुडी भी, शर्ट भी, और फिर किसी तरह जाके हमने दियोसोई को क्रॉस किया। तो बस आज के लिए इतना ही यार, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब अगर न्यू हो तो, क्योंकि मेहनत बहुत जोर की लगी है यार, तो आज तो सब्सक्राइब बनता है बॉस। ओके, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।